Today we will start chapter 24, solution of right triangles. From question number 3rd, find angle x. X bache angle find karna hai humne. X angle we have to find. This is 60, this side is given 20, only this side is given 30, and this angle is also 90. A, B, C, D. Ye liya beta. Here, X is this angle. Naming kar di apni taraf se. First of all, we have to find AC. AC find karenge beta. Is triangle mein se find kar nahi sakta. X nahi hai hamare paas. Is triangle mein se. In right angle triangle, ACD. सर आपने तो थर्ड सम करवाया था कोई बात नहीं फिर से कर लो बेटा तो हो गया ना स्टार्ट इन राइट ट्रायंगल एसीडी एसी साइड बेटा ऊपर रख लो जो साइड फाइंड देखो एसी क्यों फाइंड कर रहा हूं मैं एडी क्यों नहीं कर रहा फाइंड क्योंकि एसी से मेरे पास इस ट्रायंगल की दो साइड्स आ जाएंगी जहां दो टिक लगा दी एसीबी की एसीडी में से एसी फाइंड हो जाएगी AC find hogi, AC and AB are two sides of this triangle. Then we can find X angle. How? Dekho kaise. AC upar, CD niche. Yes. Manmohit, AC is base, perpendicular or hypotenuse in this triangle? Sir, base. Base. Acute angle, 60 A. इसके सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया थर्ड साइड क्या बच गई दैट इज बेस यहां बी लिख सर वीडियो फ्रीज हो गई सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है अब यस सर इस पता है मुझे बच्चे वो हैंग पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है तीन चार दिनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नेटवर्क की यहाँ पे एसी अपॉन सीडी एसी बेस सीडी परपेंडिकुलर बी अपॉन पी विराज बी अपॉन पी क्या होता है विराज यस सर मेरा सिर तेरे को सुनाई नहीं दे रहा कॉट सर कॉट यस सर कॉट 60 मैं पूछा ही ना करूं मैं ये मन करता होता कई बार सर कि पहली बार में सुनाई नहीं देता सर कॉट 60 कॉट 60 होता है बच्चे 1/√3 एसी की वैल्यू निकाल लो 30/√3 एसी की वैल्यू आ गई 30/√3 मैंने यहीं पे लिख दिया उसके बाद बच्चे इस ट्रायंगल की हमारे पास दो साइड्स हैं कोई भी साइड ऊपर रख लो कोई भी साइड नीचे चाहे ए बी अपॉन एसी कर दो चाहे एसी अपॉन ए बी कल मैंने किया था एसी अपॉन ए बी आज मैं ए बी अपॉन एसी करूंगा पर प्रॉपर वे से लिख के इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी ए बी ऊपर रख लिया एसी नीचे ए बी इज हाइपोटन्यूज एसी इज परपेंडिकुलर देखो एक्यूट एंगल इज एक्स एक्स के अकॉर्डिंगली 90 के अपोजिट है ए बी दिस इज द हाइपोटेन्यूज एसी बी के अपोजिट है दिस इज द परपेंडिकुलर एच अपॉन पी शामिल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज आर्या यस सर कॉसेक कॉसिकेंट कॉसिक नहीं बोलना कॉसिकेंट बोला करो बच्चे इसको Yes, sir. X. AB की वैल्यू फिल कर दो 20. मेन लाइन AC की वैल्यू 30/√3. कोसिकेंट X एज लाइक नाउ 20 रूट थ्री कहां चला जाएगा ऊपर 30 नीचे किसके इक्वल कोसिकेंट X के
जीरो से जीरो कैंसल, टू रूट थ्री अपॉन थ्री, कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड बच्चे, 20 अपॉन 30 रूट थ्री आया था ना, कोसिकेंट एक्स, इसमें बच्चे पता क्या करेंगे, हम उल्टा और रैशनलाइज करेंगे, न्यूमिरेटर को रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू कहीं पे है नहीं कोसिकेंट में, टेबल में देखेंगे तो वैल्यू नहीं है, तो रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, देयर इज नो चेंज ना, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, टू इंटू थ्री अपॉन थ्री रूट थ्री, थ्री से थ्री कैंसल, कॉसिकेंट एक्स, टू बाय रूट थ्री आ गया, क्या कॉसिकेंट एक्स आ गया, नाउ कॉसिकेंट की वैल्यू टू बाय रूट थ्री कहां पे होती है, 60, बट टू अपॉन रूट थ्री इज कॉसिकेंट 60, कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को, यहां पे बच्चे 2 अपॉन रूट 3 के प्लेस पे 2 अपॉन रूट 3 है, कोसिकेंट के प्लेस पे कोसिकेंट, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, एक्स के प्लेस पे कितना आ गया 60 डिग्री, दिस इज द आंसर, यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो वैल्यू होती नहीं है कोसिकेंट में, तो यहां पे क्या किया मैंने, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, ओके फोर्थ सम, फर्स्ट पार्ट, सर वीडियो इज ब्लर, ओके E, B, C, D. This is 10, 50. अब देखो नेमिंग खुद की हुई है उन्होंने, A, E, B, C, D. यहां एंगल 90 है, दिस आपकी वीडियो पॉज, यहां पे बच्चे ये ट्रायंगल, दिस इज 45, दिस इज 10, 50 ई, वी हैव टू फाइंड एडी, एडी की लेंथ फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो बच्चे, ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10 होगी ना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती हैं, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, लग रहा है 50 दिख रहा है, ये साइड इसके इक्वल 50, यस और नो, रेक्टेंगल गिवन नहीं है, यहाँ पे देखो एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 होगा, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, इस टाइप के समझो, वो ऑटोमेटिकली होता है बच्चे, ये 50 है, ये 50 है, ए ई फाइंड कर सकते हो इस ट्रायंगल में से, यस सर, सर वीडियो फ्रीज होगी, यस ए ही बेटा ऊपर, बी ई नीचे, यस रूप, व्हाट इज ए ई, सर आप फिर से समझाओगे, सर पर ट्राई करो, समझाओ मुझे ना मजा ही नहीं आ रहा, बता नहीं सर,
फ्रीज हो जा रहा था. वही कह रहा हूँ. Perpendicular. BE base. P upon B tan 45. Perpendicular AE as like BE की length 50. Tan 45 1 होता है. AE find करना है. 1 50 ऊपर जाके multiply हो गया. AE की length कितनी आ गई? 50 आ गई. 50 आ गया. ही अब टोटल AD फाइंड करने के लिए बोला था. नाउ AD AE प्लस DE. AE 50 है, DE 10 है. 50 प्लस 10 60 सेंटीमीटर. मीटर दिया हुआ है, यूनिट नहीं, अभी मीटर आएगा. ओके ओके सर, समझे? Yes, दिखाई दे गया था सबको? Yes, मजा नहीं आता. फोर्थ का सेकंड पार्ट. सर हर 10 सेकंड बाद फ्रीज हो जाती है आपकी वीडियो. नेटवर्क इशू है बच्चे, मैं क्या करूं? सर अभी तो बहुत ब्लर हो गए. ऐसे करो, फिर से रीज्वाइन करो. Okay.